हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम अविनाश अग्रवाल है दिस इज़ लेक्चर नंबर 55 फॉर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वेलकम टू अन अकेडमीज़ यू आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल दोस्तों दिस इज़ द फिफ्टी लेक्चर ऑफ द सीरीज़ पहले के फिफ्टी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए और उनसे रिलेटेड डिटेल्ड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडरस्कोर अविनाश पे से मिल जाएंगे उनको आपको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना चाहिए रिवाइज़ करना चाहिए

करंट अफेयर्स आप अच्छा से तैयार करना चाहते हैं आपको प्रीलिम्स में सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको नहीं आइडिया है कि कैसे करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए तो आपको ये लेक्चर काम आएगा दोस्तों राइट मंडे टू फ्राइडे वी आर मीटिंग ऑन अ डेली बेसिस फ्राइडे को 9 पीएम पे मैं आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट लेता हूँ दोस्तों हंड्रेड क्वेश्चन का विच इज अ फ्री टेस्ट जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों तो कल फ्राइडे है आप लोग तैयार हो जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए मैं लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों और आप कल की टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स की दोस्तों राइट सो लेटस बिगेन लेटस गो अड प्लीज़ गिव मी अ कंफर्मेशन ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर सारे स्टूडेंट्स एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए दैट यू कैन हियर मी एवरीथिंग इज ओके दोस्तों यू हैव टू कम ऑन टू द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बहुत सारे एडुकेटर्स बहुत सारा लाइव कंटेंट आपके लिए फ्री लाइव कंटेंट बनाने लग रहे हैं राइट right? उसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए दोस्तों जस्ट गिव मी अ सेकंड। सौरभ आई एम गुड हाउ आर यू कैन यू हेयर मी दोस्तों जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन राइट सो वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्री लाइव क्लासेस फॉर यू विच आर ट्रूली फ्री एंड जेन्यूनली ऑफ द बेस्ट क्वालिटी राइट आपको इन पे पार्टिसिपेट करना चाहिए दोस्तों जो मैंने फ्री लाइव क्लासेस बना रखे हैं उनका भी डिटेल आपके सामने रखा है रमेश सिंह सर की किताब की समरी प्रोवाइड करिए चैप्टर बाय चैप्टर राइट प्लीज कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म वी आर वेलकमिंग यू वी आर इनवाइटिंग यू विल बी हैविंग अ रियली गुड टाइम दोस्तों राइट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन 21 22 23 एस्पिरेंट्स के लिए वन ईयर बैचेस आर अवेलेबल व्हिच आर स्टार्टिंग ऑन एट ऑफ सितंबर पूरा डिटेल आपको दिया है कि कौन सी चीज़ कौन सा ब्लॉग कब आपको पढ़ाया जाएगा कौन सा सब्जेक्ट कौन सा educator, कब से पढ़ाएगा कब एंड करेगा और कितने आवर्स में पढ़ाएगा दोस्तों तो आप आवर्स का भी टोटल मार्के देख सकते हैं दोस्तों कि आपको कितने आवर्स के लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं दोस्तों राइट right? हिंदी के अंदर भी सारी चीजें अवेलेबल है ए टू जेड ट्रांसपेरेंसी वाला काम है दोस्तों आपका ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करा जाएगा दोस्तों अन अकेडमी द्वारा टू ईयर बैच है टू ईयर बैच के अंदर भी आपको पूरा डिटेल दिया है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल प्रोवाइडेड फॉर द टू ईयर बैच ओके ऑप्शनल की डिटेल्स यहाँ पर दे रखे हैं राइट right? सो यू कैन अंडरस्टैंड दोस्तों कि इट इज अ वेरी इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स है प्लस मेंबरशिप के एंड आइकॉनिक मेंबरशिप के हर चीज के ऊपर आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड अवी यू पी एस सी सो मेक यूज ऑफ द कोड इफ यू नीड अ लोन द लोन इज ऑल्सो अवेलेबल वन ईयर सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए आपको ट्वेंटी बुक्स उसके साथ फ्री मिलेंगे जिसमें पूरा स्टैटिक करंट का आपको जो है कवरेज मिलेगा और आपका बहुत अच्छा सिलेबस की तैयारी होगी दोस्तों यूपीएससी कॉम्बैट एवरी संडे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए इट्स अ फ्री नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट जिससे दो

This is the first question. Potion Abhiyan targets to bring down st stunting among children in the age groups 0 to 6 years from 38.4% to 25% by 2022. Month of September is celebrated as Potion Maha to improve nutritional outcome for children, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers. Potion 2.0 was announced in Union Budget 21-22

Without talking about portion Abhiyan, portion and potion 2.0, your main answer on hunger, on malnutrition or nutrition will remain incomplete, dosto. So keep that in mind, right? Shoaib, I am good. Good morning, Shoaib, right? Please share your answers also. What should be the answer for the first question? Achitanya is saying that the answer is 1C. Jalaj is saying answer is 1D. Nilesh is saying answer is 1D. Aspirant is saying that the answer should be 1D. राइट श्याम कुमार कर दिया है आपको नॉट करेक्ट पूछा गया है राइट right? तो आपने नॉट करेक्ट नहीं देखा है इसीलिए आप लोग सी दे रहे हैं और जिन्होंने नॉट करेक्ट देख लिया है दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन दे आर गिविंग द आंसर एज डी नन ऑफ द अबाव रिसेंटली दोस्तों

रिस्पेक्टिवली हमारे को रिड्यूस करना है दोस्तों सो स्टंटिंग स्टिंग टू बी रिड्यूज बाई टू परसेंट पर एनम सिमिलरली अंडर न्यूट्रिशन एनीमिया लो बर्थ वेट का प्रॉब्लम हैज टू बी रिड्यूज बाई टू थ्री एंड टू परसेंट रिस्पेक्टिवली पर एनम उसके अलावा दोस्तों स्टंटिंग हमारे को रिड्यूस करना है एंड वी वन टू ब्रिंग इट टू ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू पोशन टू पॉइंट जीरो एक अम्ब्रेला स्कीम है गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर से जो इतनी सारी स्कीम्स हो गई उनको कंसोलिडेट करके अम्बरेला स्कीम बना रही है सो पोषण टू पॉइंट जीरो इज एन अम्बरेला स्कीम जिसमें आंगनवाड़ी सर्विसेज पोषण अभियान स्कीम फॉर अडोलोसेंट गर्ल्स एज वेल एज नेशनल क्रेश स्कीम इन सारे स्कीम्स को जो है मर्ज करा जाने लग रहा है यूनियन बजट ट्वेंटी वन के अंदर इसे अनाउंस करा गया है दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे रखा है पोषण माह के बारे में पूरा डिटेल रखा है दोस्तों मंथ ऑफ सितंबर के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस वगैरह जनरेट कर सके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल एजेंसी है दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए डोंट मेक एन एरर ओवर देयर राइट जो पोषण माह के अंदर एक्टिविटीज चलने लग रही है उनका भी पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पर रखा है दोस्तों पोषण वाटिका क्या है दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है टू तो एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स फ्रेश ियसलीइल मस्ट ऑल्सो रिमेन हेल्दी दोस्तों तो प्लांटेशन ड्राइव्स और पोषण वाटिकास वी टेकन अपेक होल्डर्स ताकि आंगनवाड़ी स्कूल प्रेम और ग्राम पंचायत के के को भी फैला सके ऑर्गेनिक फार्मिंग के आइडियाज को भी फैला सके दोस्तों न्यूट्री गार्डन हमने ओपन करा है पोषण माह को ध्यान में रखते हुए एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दोस्तों न्यूट्री गार्डन क्या उसका भी पूरा डिटेल यहां पर रखा है दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स ने यहां पर गलती करी थी कि आपने सी और डी के अंदर मिस्टेकी थी नॉट करेक्ट की वजह से वो मत करिए और जिन स्टूडेंट्स को है कि फैक्ट्स नहीं पूछेगी यूपीएससी गुड मॉर्निंग फैक्ट्स पूछने वाली है दोस्तों यूपीएससी सो so, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स के भी अगर हम फैक्ट्स नहीं याद करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हम सही तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए दोस्तों राइट मूविंग अहेड टू द सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड मिटोरलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम न्यूज में देखा गया है दोस्तों तीन स्टेटमेंट्स उसके बारे में दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है हर महीने में एक बार वर्ल्ड मिटोरलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई आर्टिकल आता है वंस एंड फॉर ऑल आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजों को समझ

राइट right? और उसके अंदर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर करें तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में आपको बात करनी चाहिए तो ये प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी उसी प्रकार से जी वन के अंदर अगर आप बात करने लग रहे हैं कि क्या प्रकार के डिजास्टर्स हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कम हो रही है तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के अंदर से दो चार स्टेटमेंट्स आपको बताने चाहिए दोस्तों तो उससे क्या होगा कि आपके आंसर के अंदर वजन दिखाई देगा दम दिखाई देगा दोस्तों आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे एग्जामिनेशन के अंदर प्लीज शेयर योर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों अंकु पांडे योर आंसर इज वन एंड थ्री ओके और सौरभ योर आंसर इज ए अचितन्या योर आंसर इज सी सारे स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज शेयर योर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सेशन दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो देख रहे हैं कि तुरंत एक बार जरा लाइक का बटन हिट कर दीजिए दोस्तों डू नॉट कॉस्ट यू एनी राइट इट विल भी गुड ऑन योर पार्ट सो प्लीज़ शेयर योर आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन ऑल ऑफ यू दोस्तों प्रीति परना योर आंसर इज ए आई एम ग्लैड टू सी दैट यूल आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन द आंसर इज ए इट डिड नॉट गेट established इन 1873. अगर आप जानते हैं कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी या कौन से रेटिफिकेशन के थ्रू थी, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए प्रमोद योर आंसर इज करेक्ट अगर आप लोग श्योर जानते हैं दोस्तों मी सी कि आपकी नॉलेज है क्या आप भी बताइए कि अगर इफ यू नो फॉर श्योर देन आई बी वेरी हैप्पी आई बी मोर हैप्पी दोस्तों राइट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कि वेदर डिजास्टर्स आर स्ट्राइकिंग द वर्ड फोर टू फाइव टाइम्स मोर ऑफन जिंग सेवन टाइम्स मोर डैमेज देन इन द नाइनटीन सेवेंटीज तो ये प्रकार के स्टेटमेंट्स अच्छे स्टेटमेंट्स होते हैं दोस्तों

सफर मोर ऐसा कहा जाने लग रहा है दोस्तों मोर देन 90 परसेंट ऑफ द टू मिलियन डेथ्स आर इन वॉट यू एन कंसिडर्स डेवलपिंग नेशन वैल नियरली ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज अकर्स इन सिक्स इकनॉमिक दोस्तों तो डैमेज डैमेज इकोनॉमिक कंट्री में ज्यादा है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से बहुत कुछ तबाही होती है हमने ज्यादा बनाया नहीं है तो ज्यादा टूटता नहीं है लेकिन हमारी जान चली जाती है क्योंकि हमने ज्यादा बनाया नहीं है दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करा जाए तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अभी वन नाइनटी टू नंबर है चेंज हो सकता है दोस्तों आगे चलते हुए नंबर इंडिया इज अ मेंबर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजे शन पहले आई एम ओ बना था एटीन थ्री के अंदर तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1873 में इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल कांग्रेस उसके अंदर से आईएमओ निकलकर आया था आईएमओ को बाद में जो है हमने रूपांतरण करा उसको ट्रांसफॉर्म करा करा और उसको सेटअप इट एस्टैब्लिश द रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन इन इज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशनस मीट्रोल वेदर क्लाइमेट ऑपरेशन हाइड्रोलॉजी ब्लाबला की ये जो है स्पेशलाइज एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर जीवाजरलैंड में रख रखवाए हैं रिपोर्ट इसकी पब्लिश करवाते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इंडिया के अंदर दो हजार इक्कीस के अंदर भी न्यूज के अंदर देखने को मिला था उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों ये

नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है ये दोस्तों नेशनल कोडेक्स कोडेक्स पॉइंट ऑफ इंडिया इंडिया मेंटेन्स एलिमेंटारियस कमीशन स्टैंडर्ड इन दोस्तों ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन अवार्ड करा जाता है द्वारा करता है या फिर रेलवे करता है आप सोच के बताइए दोस्तों ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाई एफ एस एस आई टू रेलवे स्टेशन दैट सेट बेंच मार्क्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर्स तीन स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुना दिए दोस्तों आपको बताना है कि वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन दोस्तों राइट right? अब सौरभ आपने कहा गवर्नमेंट स्कीम पे वीडियो बना दीजिए राइट right? गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर मैं नौ लेक्चर्स यानी कि कुल मिला के अठारह घंटे की क्लासेस ले रहा हूं दोस्तों कल से स्टार्ट करिए आरबीआई नाबार्ड का जो है ना आज के दिन एक ऑफर चल रहा है दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं वैसे तो यूपीएससी का लेक्चर है लेकिन स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों अन के ऊपर शानदार तरीके से हम आरबीआई और नाबार्ड की तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों शानदार ठीक है और एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है कुछ साढ़े छह हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों कुछ सात हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है आपको सिर्फ अभी यूपीएससी कोड यूज करना है और आपको उसमें एडमिशन ले लेना है दोस्तों इतने ESI, इतने finance, इतने फाइनेंस मैनेजमेंट और और इतना और इतना जनरल अवेयरनेस सारा कंटेंट बनाया जा रहा है दोस्तों दोस्तों आरबीआई का की पूछो मत अब मैं क्यों बोला दोस्तो? क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स आरबीआई नाबार्ड में बहुत पूछता है तो ऑब्वियसली मैं यूपीएससी वालों को भी करवाऊंगा लेकिन अभी मेरा बैच चलने लग रहा है दोस्तों उसके अंदर जिसमें मैंने कल ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कुछ चालीस पचास स्कीमे करवाई है दोस्तों राइट और स्कीम करवाते करवाते पचास साठ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछ लिए दोस्तों तो बहुत अच्छे तरीके से पे बहुत सारे एडुकेटर्स काम करने

इंडियन रेलवे का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है उसको फाइव स्टार दिया गया है ईट राइट सर्टिफिकेशन के अंदर क्योंकि वहां पर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर दिया जाने लग रहा है ये right है ये right प्रोग्राम प्रोग्राम क्या दोस्तों स्टेशन अंदर ज्यादा बात करने का मतलब नहीं है खींचने का मतलब नहीं है छोटा सा टॉपिक है कि आपको रेटिंग दे दी जाती है राइट थर्ड पार्टी ऑडिट के बेसिस में रेटिंग वन टू फाइव आपको दी जा सकती है तो चंडीगढ़ को फाइव स्टार रेटिंग दे दी अच्छी बात है दोस्तों एफ के बारे में बात करते ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेचुट्री बॉडी है क्योंकि कानून के माध्यम से सेटअप करी गई थी

फ्टी न्यू डेली में इसका हेडक्वार्टर रखवाएफएस है, है नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है विच मेंटेन्स कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन स्टैंडर्ड इन इंडिया अब ये कोडेक्स एलिमेंटारियस कमिशन हेरी पॉटर प्रकार का टर्म क्या दोस्तों? ये है दोस्तों एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है एंड डब्ल्यू एच ओ नाइनटीन सिक्सटी थ्री और इसका ऑब्जेक्टिव क्या कंज्यूमर की हेल्थ और फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड को इंश्योर करवाना है दोस्तों तो इसी कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट इंडिया के अंदर एफ एस एस आई है यानी कि जो काम कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन दुनिया के लिए कर रही है वही काम इंडिया के अंदर एफ एस एस आई काम करने लग रही है दोस्तों एफ तो एस एस आई बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है दोस्तों यहाँ पर आंसर बनना चाहिए सी वन टू थ्री तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है <laughs> मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलिए ग्लू ग्रांट स्कीम ग्लू ग्रांट स्कीम का ऑब्जेक्टिव बता दीजिए दोस्तों एनकरेज करना इंस्टीट्यूशन इन द सेम सिटी टू शेयर रिसोर्सेज इक्विपमेंट ब्लाबला फॉस्टर ग्रेटर कोलेबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिटवीन लोकल स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स

राइट right है शिवानी सर क्या आप लास्ट जून से करंट अफेयर्स का एमसीक्यू डिस्कस कराएंगे प्रीलिम्स से पहले ताकि हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाए राइट right? सो so शिवानी कोशिश करेंगे लास्ट जून से वैसे तो हमने क्या है ना कि दो क्रैश कोर्स करवा दिए हैं अन अकेडमी के ऊपर हमने दो क्रैश कोर्स करवा दिए जिसमें हमने लास्ट अठारह महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करवा दिया एक क्रैश कोर्स में और दूसरे क्रैश कोर्स में हमने चार सौ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स का एग्जिस्टिंग स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव है आप लोग बताइए दोस्तों कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों बी कौन सी स्कीम है सी कौन सी स्कीम है डी कौन सी स्कीम है अगर आप लोग नेम कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड राइट ये मैंने डिस्कस करा है दोस्तों कल की क्लास में हमने डिस्कस करा है जब हम एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स डिस्कस करने लग रहे थे आरबीआई नबार्ड डोमेन के अंदर दोस्तों आप तो जानते हैं इकोनॉमी इकनॉमी करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स और अविनाश अग्रवाल अविनाश अग्रवाल दोनों जगह पे काम कर लेता है दोस्तों तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए और बी सी डी कौन सी स्कीम के ऑब्जेक्टिव आपको बताना है दोस्तों मूविंग दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन राइट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जलज बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑन फोकसिंग क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच एंड क्रिएशन ऑफ फिशरीज क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पी एम एम एस वाई एम्स एट एनहेंसिंग फिश प्रोडक्शन एडिशनल सेवेंटी लैक टन बाइ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी आपको जलज एज वेल एज शिवानी प्लीज शेयर योर आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन बता दीजिए दोस्तों वॉट शुड बी द आंसर राइट चलिए फोर सी के अंदर आपने कहा स्पार्क राइट एस्पिरेंट ने कहा सी स्टार्स ओके यानी कि कंफ्यूजन है दोस्तों राइट आई नीड श्योर आंसर जो मेरा पिछला वाला क्वेश्चन था फोर के अंदर जो बी सी डी रह गए थे वो कोई ना कोई स्कीम के ऑब्जेक्टिव आप लोग पता जरूर करिएगा दोस्तों राइट यू आर सेइंग दैट द फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इज वन ओनली राइट प्रशांत सिंह आंसर इज सी जलजी सिंह आंसर इज सी नीरेश श्रीपद आर सिंह दट द आंसर इज सी आंसर इंडीड इज सी दोस्तों दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है फ्लैगशिप स्कीम है इंपॉर्टेंट स्कीम है आंकड़ा मालूम होना चाहिए दोस्तों यहां पर देख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इट वांट्स टू एनहांस फिश प्रोडक्शन बाय एडिशनल 70 लाख टन बाय 24 25 ट्वेंटी यही नंबर उठा के पूछेगा दोस्तों यही नंबर उठा के पूछेगा आपको मालूम होना चाहिए जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसको आप कहां पर यूज करेंगे दोस्तों इसको आप यूज करेंगे जीएस थ्री के अंदर क्यों जी थ्री के अंदर यूज करेंगे वो आपसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के बारे में जब बात करेगा तो उसको आप बताकर आओगे की मोदी जी ने स्कीम बनवाए हैं इस स्कीम के अंदर हम क्रिटिकल गैप्स इन द फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को हम कम कर रहे हैं फिश का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चेन ए टू जेड बनवा कर दे रहे हैं ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के अंदर जो भी अच्छा काम करा था उस काम के ऊपर बिल्डअप करने के लिए काम करने लग रहे हैं क्लस्टर एरिया बेस्ड अप्रोच रहेगा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस तैयार करे जाएंगे यानी कि फूड प्रोसेसिंग से भी रिलेटेड काम अच्छा करा जाएगा इसमें हम क्या डाइवर्सिफिकेशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग नेटवर्क सारी चीजें तैयार करके देने वाले हैं इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़वाने वाले हैं इंडिया के माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और हमारा जो फिश कैच है और जो हमारी फिशर कम्युनिटी है सब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हम लोग करने वाले हैं जीएस के अंदर इसको आपको यूज करना है आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी मूविंग अहर टू द दिक्स क्वेश्चन दोस्तों

राइट इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस या फिर बैकवर्ड एरियाज के अंदर गवर्नेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे राइट जीएस वन के अंदर सपोज आप बात करने लग रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो जोग्राफिकली स्पीकिंग जो इंबैलेंस uh, आया हुआ है वेरियस द कंट्री के अंदर उसको भी हम रिड्यूस करना चाहते हैं जीएस थ्री के अंदर अगर आप इंक्लूसिव के बारे में बात कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में तो आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के बारे में बात करनी चाहिए तो ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि आपके आंसर के अंदर जरूर अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन का जरा जरा आंसर बता दीजिए दोस्तों क्वेश्चन के अंदर वेराइटी ऑफ आंसर दिख रहे हैं नीलेश का आंसर इज सी शिवानी का आंसर इज बी अचित का आंसर इज डी श्रीपद का आंसर इज ए वेरी गुड दोस्तों राइट right? यहां पर जो है आंसर राइट right? आज मेरा थोड़ा सा बैड लक थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग चलने लग रहा है दोस्तों राइट यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर बनना चाहिए बी यहां पर आपको पूछा गया है इनकरेक्ट दोस्तों इनकरेक्ट पूछा गया है यहां पर आपका आंसर बनेगा बी क्यों बी बनेगा क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि केवल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसे इंप्लीमेंट करा जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नीति आयोग बिल्कुल सही है सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स को कन्वर्स करवाना चाहता है बिल्कुल सही है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकरेक्ट पूछा है दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी तो बी वाले स्टूडेंट जरा सामने आ जाइए राइट शिवानी सिंह का आंसर इज करेक्ट जलज का आंसर इज करेक्ट बाकी आई डू नॉट सी एनी वन गिविंग लगाना था बेहद खुशी हो रही है दोस्तों कि आपको कुछ सिखा पा रहा हूं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग का प्रोग्राम है कब लॉन्च करे थे यह पूछ लेगा 2018 में लॉन्च करे थे क्यों लॉन्च करे थे ताकि एक्सेलरेट करे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर इंप्रूवमेंट मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर अगर जैसे गांधी जी ने कहा था दोस्तों कि जो सबसे गरीब है जो सबसे पिछड़ा है उसके लिए हमारे को काम करना है तो वही वही भावना को ध्यान में रखते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लाए हैं कि जो सबसे पिछड़े वे डिस्ट्रिक्स है, जो सबसे सबसे पिछड़े हुए गरीब में गरीब डिस्ट्रिक्ट है राइट उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को जाके बेहतरीन काम करके देना है दोस्तों कन्वर्जेंस करवाना है सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स का कोलेबोरेशन करवाना है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के प्रभारी ऑफिसर्स का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का कंपटीशन करवाना है अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स ड्रिवन बाय जन आंदोलन मास मूवमेंट दोस्तों ये प्रकार की स्पिरिट्स है दोस्तों आप देख सकते हैं कॉम्पिटेटिव एज वेल एज कोलेबरेटिव फेडरलिज्म के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इससे रिलेटेड इंडेक्स भी रिलीज होता है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों दोस्तों इसके अंदर गलती हमारी नहीं होनी चाहिए मूविंग टू द द क्वेश्चन राइट ध्यान से आंसर करिएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विश्वास स्कीम एम्स टू तो प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राइट right? तो आदर्श ग्राम योजना यानी कि गांव की योजना है गांव की योजना है तो अगेन वापस इसको मैं आपको वापस से बोल रहा हूं दोस्तों कि जब भी आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे राइट रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे ही करेंगे दोस्तों क्यों बात करेंगे क्योंकि यूपीएससी तो रूरल डेवलपमेंट right? के बारे में पूछेगी इंडिया की टू थर्ड आबादी रूरल एरिया में रह रही है राइट अगर टू थर्ड आबादी के बारे में ही क्वेश्चन नहीं पूछेगी तो किसके बारे में क्वेश्चन पूछेगी और अगर टू थर्ड आबादी के बारे में क्वेश्चन पूछेगी और आप प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात करके नहीं आओगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा दोस्तों तो आपको इसको यूज करना है स्ट्रैटेजिकली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के आइडिया को स्ट्रेटेजिकली यूज करना है अपने मेन्स के आंसर राइटिंग के अंदर दोस्तों राइट चलिए प्लीज शेयर योर आंसर फॉर द सेवंथ क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन के अंदर शिवानी का आंसर बी है बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आंसर दे दीजिए नीलेष ने आंसर डी दे दिया प्रशांत कुमार ने आंसर ए दे दिया है एस्पिरेंट ने आंसर बी दे दिया है वेरी गुड दोस्तों शानदार अलग अलग प्रकार से आप लोग ने सारे आंसर लगा दीजिए कोई सी दे अच्छी तन्या। अच्छी तन्या सी दे दे दीजिए थैंक यू आपने दिया तो चारों मेरे को मिल गए ए बी सी डी वेरी गुड दोस्तों यहां पर आंसर बनना चाहिए डी नाइदर वन इज करेक्ट नॉर टू इज करेक्ट जलज का आंसर इज करेक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट राइट और नीले का आंसर इज करेक्ट सो फार आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट दोस्तों वन इज करेक्ट टू इज करेक्ट प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना right? तो रूरल डेवलपमेंट रूरल की स्कीम नहीं है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है विश्वास स्कीम वॉट इज विश्वास वंचित इकाई समूह और वर्गो की आर्थिक सहायता योजना वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना बोले तो विश्वास योजना विल बेनिफिट शेड्यूल कास्ट एंड एंड कास्ट ओबीसी सेल्फ हेल्प विद फैमिली इनकम ऑफ लेस देन थ्री लाख रुपीस तो शेड्यूल ट्राइब को इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाएगा दोस्तों अंडर दस सी एंड अवेल इंटरेस्ट बैंक विश्वास स्कीम इम्प्लीमेंटेडीसी स्कीम एक्सपेंडिंग द आउटरीच टू ओबीसी मेंबर्स and it will reduce interest burden. राइट फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से तो आप right? आपने सारी चीजों को सही से समझाए दोस्तों छोटी छोटी मैटर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए नहीं तो आपका आंसर गलत चला जाएगा दोस्तों दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है साइंटिस्ट ने डिस्कवर कराया दोस्तों या साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कराया दोस्तों मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट इयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशग्स बोजॉन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड ग्रविटेशन वेवर डिटेक्टेड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल्स थ्रू वर्म होल वॉज कन्फर्म जो कि पिक्चरों के अंदर दिखाया है दोस्तों इट एनेबल्ड द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंग्यूलैरिटी दोस्तों आपको बताना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस ऑब्जर्वेशन का जो दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है यह आपको बताना है एट्थ क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने आंसर सही लगाया दोस्तों आंसर इज बी ग्रेविटेशन वेव वर डिटेक्टेड राइट सो लीगो डिटेक्टर

तो ये हमने क्या करा कि bacterial cell के रिसर्चर्स कैन रिमूव एड और ऑल्टर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन जीनोम ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स तो, तो बैक्टीरिया के सेल्स जैसे यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए कैस नाइन को उसी प्रकार से हम इसे यूज कर रहे हैं ताकि जो ऑर्गेनिजम्स है उनके जो जीनोम्स को हमारे को जो एडिट करना है राइट right? रिमूव करना है एड करना है ऑल्टर करना है उसको हम कर सके दोस्तों ये एक जीन एडिटिंग टूल है कॉपी पेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है सो द जीन एडिटिंग टूल है सिंगल गाइड आर एन एस जी आर एन ए

यू यूज दिस दोस्तों जीएस थ्री में आप इसको यूज करेंगे कहां पर यूज करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में जब भी आप बात कर रहे हैं या फिर एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में अगर आप, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन का फोकस यही रहता है दोस्तों में कैसे काम आएगा ये मेन्स में कैसे काम आएगा दोस्तों नॉलेज को हमारे को स्ट्रेटेजिकली यूज करना है दोस्तों नॉलेज पैसा है दोस्तों राइट पैसे को जैसे हम उड़ाते नहीं है वेस्ट नहीं करते हैं राइट ऐसा नहीं है कि उसको रख के भूल जाते हैं उसी प्रकार से नॉलेज है दोस्तों तो नॉलेज को को हमारे को बहुत अच्छे से यूज करना है ताकि हम मार्क्स अर्न कर सके दोस्तों क्योंकि हमारा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ये डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का एक्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों तो अगर हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे को नॉलेज को स्ट्रेटेजिकली यूज करना आना चाहिए 10th क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए दोस्तों राइट वैरायटी ऑफ आंसर्स दिखाई दे रहे हैं राइट right? ए भी आंसर दिखाई दे रहा है लेकिन मेजॉरिटी आंसर डी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों राइट यहां पर जो आंसर बनना चाहिए बी बनना चाहिए राइट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर ओके सो ये जो है दिस इज पार्ट ऑफ दिस थिंग अह इट इज नॉट दिस थिंग इट इज नॉट दिस थिंग इट इज इट इज डिफरेंट ओके यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड अपकृषोन्नति योजना ग्रीन कृषि योजना उसके अंदर ये नहीं आएगा दोस्तों ये चीज को थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग रिसेंटली यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर उन्होंने अटेंड करा था एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग टू कंसिडर द प्रपोजल रिसीव अंडर द स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्कीम है उसके अंदर हम एक मीटिंग करे थे दोस्तों अभी जो स्कीम है इसे अप्रूव करा गया था मे 2017 के अंदर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर राइट जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की स्कीम है राइट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कॉमन फैसिलिटीज क्रिएट करना फूड की वेस्टेज को रिड्यूस करना इंटरप्रीनर्स को प्रमोट करना वैल्यू एड करना फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना एट द लोकल लेवल ठीक है इसमें बेसिक एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देंगे कोर

एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर यानी कि संपदा बी इंप्लीमेंटेड सीआर राइट दो हजार सत्रह के अंदर इसके नाम को हमने चेंज कर दिया उसको बोला नाम है तुम्हारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बस सिंपल सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है दोस्तों कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है ग्रांटिन एड थर्टी फाइव परसेंट टू सेवेंटी फाइव परसेंट दिया जाता है टू द एलिजिबल प्रोजेक्ट्स सेवन कंपोनेंट्स से अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मेगा फूड पार्क इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एपीसी क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन फूड प्रोसेसिंग का आंसरप्लीट विदाउट दिस एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशन का आंसर इनकम्प्लीट विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन इन द मेन्स एक्जामिनेशन दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया था इस भोले भाले स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों आपको इस स्टेटमेंट के अंदर एग्जाम में ट्रैप नहीं होना है राइट आप लोगों का आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए किसी का भी आंसर बी नहीं था नीलेष जलज शिवानी राइट एस्पिरेंट एज वेल एस अचितन्य एज एज श्रीपद एज वेल एज प्रीति परना एज वेल एज सौरभ एज वेल एज सारे स्टूडेंट्स राइट आप लोग ने लेजी तरीके से आंसर करा था आंसर वॉज बी प्लीज गिव अ थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया है तो तो दोस्तों एज आई कीप इनवाइटिंग यू राइट कम ऑन टू द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फ्री क्लासेस का तो फायदा उठाना ही उठाना है प्लस कोर्सेज का भी फायदा उठाना चाहिए दोस्तों एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूं दोस्तों बहुत प्यारे ढंग से सिखा रहा हूं दोस्तों जो स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं उनको शायद बहुत मजा आने लग रहा है दोस्तों एटलीस्ट वो तो मुझे यही कहते हैं कि सर हमें बहुत मजा आ रहा है दोस्तों तो मजे में एनसीआर इकोनॉमिक्स चल रही है इंडियन इकोनॉमिक थ्रू एमसीक्यूज करवा चुका हूँ राइट प्रिलियम्स का क्रैश कोर्स ऑन करंट अफेयर्स जिसमें 18 महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन है करवा चुका हूं करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज करवा चुका हूं दोस्तों इन कोर्सेज का आपको फायदा उठाना चाहिए दोस्तों राइट सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अन अकेमी अंडर स्कोर अविनाश ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सके दोस्तों थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट सी यू टुमारो जय हिंद दोस्तों